स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लेमिंगो के बारे में। तो क्या कभी आपने आज से पहले फ्लेमिंगो देखा है या फिर इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, बिल्कुल ना भूले। तो अब शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्लेमिंगो के बारे में। पहला, फ्लेमिंगो 3.3 से लेकर 4.6 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 1.5 किलो से लेकर 4 किलो तक का हो सकता है, जो वैसे सुनने में ज्यादा भारी नहीं लगता। नंबर दो, फ्लेमिंगो के पंखों की चौड़ाई करीब करीब 3.3 से लेकर 5 फीट तक होता है। नंबर तीन, फ्लेमिंगो के पंखों का रंग उसके खुराक की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि एक पिगमेंट खाते हैं जिसे कहते हैं कैरोटीनॉइड, जिनके वजह से उनके परों का रंग लाल और गुलाबी हो जाता है। वैसे इसके अलावा वो श्रिम्स, एल्गी और क्रस्टेशंस खाती है। नंबर चार, जब वह खाती है उनके सर ऊपर से नीचे की तरफ झुक जाता है, जहां वो पानी चूस कर खाना अलग कर लेती है। नंबर पाँच, फ्लेमिंगो खाने के दौरान अपनी सांसें रोक सकती है। नंबर छः, विस्थापन के दौरान यानी माइग्रेशन के दौरान वो लगभग 37 मील पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है, और उस दौरान वो लगभग 300 माइल का सफर तय करती है। नंबर सात, फ्लेमिंगो अपने एक दिन का 15 से 30% समय अपने परों को संवारने में लगाती है, जिसके लिए एक तेल वाली ग्रंथि उनके शरीर के अंदर होती है, जो वो तेल उसके पूरे पंखों में फैलाती है, जिससे वो अपने पर संवारती है। नंबर आठ, फ्लेमिंगो बहुत बड़े कॉलोनीज में रहती है और इन कॉलोनीज में लगभग 10 लाख से ज़्यादा फ्लेमिंगो होते हैं। नंबर नौ, फ्लेमिंगो अपने अंडे कीचड़ से बने घोंसले में देती है। नंबर दस, फ्लेमिंगो मिनोगमस होते हैं, मतलब सिर्फ एक पार्टनर वाले, या फिर हिंदी में कहें तो एक पत्नी के जीव होते हैं, जो सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं और हर साल एक अंडा देते हैं। नंबर 11, नरवे मादा दोनों फ्लेमिंगो अपने अंडे को गर्माहट देते हैं, और जब उसमें से बच्चा निकलता है तो दोनों ही उसे दूध जैसे प्रोटीन और वसा से भरे तत्व का आहार करवाते हैं। नंबर 12, बेबी फ्लेमिंगो की चोंच जन्म के साथ घुमावदार नहीं होती, ये उसके जन्म के कुछ माह बाद अपने आप घुमावदार हो जाती है। नंबर 13, जब भी फ्लेमिंगो को आराम करने की आवश्यकता होती है तो वह अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है। नंबर 14, फ्लेमिंगो के घुटने जैसे लगने वाली संरचना उनकी एड़ी होती है, और उनका असली घुटना उनके शरीर में काफी ऊपर की तरफ होता है, जो उनके परों की वजह से नहीं दिखता। नंबर 15, फ्लेमिंगो लगभग 20 से 30 साल तक जीते हैं। तो ये था आखिरी फैक्ट फ्लेमिंगो के बारे में। तो अगर आप इसके अलावा कोई और फैक्ट जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल ना भूले। और इस वीडियो के बारे में भी अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।